अब मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी में जादू की छड़ी घुमाई दोस्तों मैं मतलब आज लगता है कि मैंने आठ महीने तक उनको ना 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 करता रहा परेशान करता रहा और वो भी लेकिन वो भी बड़ा जिद्दी बंदे थे कि मेरे पीछे लगे रहे बार बार लगातार बार बार लगातार वो लगे रहे कि मैं किसी भी हालत में आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक वही फॉर्मूला जो सुरेखा मैम बोलती है जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं तो मुझे लगे रहे बिहार के सबसे पहले जीवीडी हमारे स्पॉन्सर स्मैक एंड वन आजादी क्लब मेंबर राजेश गुप्ता सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर एंड मैम वाओ कमाल का है ना कहते हैं ना वेलकम वेलकम सर जो जो अटक गया वो मोती जो टपक गया वो पानी हर गमों की बस यही कहानी God. तो जो लगे रहते हैं लगातार लगे रहने से ही सफलता मिलती है और आज आपने बहुत अच्छी चीजें बताई दोस्तों नमस्कार मेरा नाम राजेश गुप्ता है मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ और पिछले साढ़े छह साल से मैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ मोदी केयर से पहले यदि लाइफ की मैं बात करूँ तो मैं एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हम सौ रुपया महीने की झोपड़ी में रहा करते थे माई फादर वाज आ, क्लोथ स्ट्रीट क्लोथ और आ, मैं ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई लिखाई खुद भी पढ़ता था ट्यूशन पढ़ाई करता था और कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई हमारे फरिश्ते से हमारे गुरु महागुरु से जिन्होंने हमारे जीवन को 180 डिग्री से चेंज कर दिया मिस्टर रवीश रस्तोगी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के विषय में मुझे उन्होंने बताया और आज से साढ़े छह साल पहले मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया और आज हमारी अचीवमेंट है कि मोदी केयर से लगभग साल का डेढ़ करोड़ रुपया साल का मैं मोदी केयर से अर्न करता हूँ जहाँ सौ रुपया महीने के एक झोपड़ी में रहा करता था आज सवा करोड़ के घर में रहता हूँ पटना में आज हमारे पास में दो कारें हैं दर्जनों देश की यात्राएं कर चुका हूँ और अपने वाइफ बच्चों के साथ में बहुत खुश और अच्छी जिंदगी को मैं जी रहा हूँ और बहुत दोस्तों सचमुच में बताऊं तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो सपने सचमुच दोस्तों सपने सच होते हैं लेकिन सपनों को सच करने के लिए आपको सपना देखना पड़ेगा कहते हैं ना कि एक पत्थर की भी तकदीर सवर सकती है फर्क सिर्फ इतना है कि उसे सलीके से तराशा जाए और और जिस तरीके से आजाद अनुप सर अमृता मैम ने आपको बताया रवि सरस्तोगी सर ने आपको बताया कि किस तरीके से माहौल है और किस तरीके से ज्वाइनिंग तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आज मोदी में बात करूं तो डेली बेसिस पे हिंदुस्तान के अंदर में ऑन एन एवरेज दस हजार से ज्यादा लोग मोदी केयर में हर दिन जुड़ रहे हैं दोस्तों सोचिए दस हजार लोग हर दिन जुड़ रहे हैं पिछले महीने लगभग ढाई लाख लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया है तो ज्वाइनिंग बहुत तेज से फैलती जा, है। बढ़ती जा रही है हर लोग आ, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए मुझे बताए कोई तो आए तो मुझे बताए और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बातें करने से बातें बनती है हम चले तो हिंदुस्तान चले तो आप बातें करेंगे तो जरूर बातें बनेंगी और बातें कैसे करेंगे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे और इस पीरियड में इस पर अनुपर ने आपको बहुत अच्छे से बताया है अब क्या होता है कि हम ज्वाइन तो करा लेते हैं किसी को

कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें लगभग थर्टी परसेंट लोग ही टिकते हैं सेवेंटी परसेंट लोग क्विट कर जाते हैं पहले तीस से नब्बे दिनों के अंदर में वो क्यों क्विट करते हैं क्योंकि हमें उनको जब वो कोई भी लोग नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके मन के अंदर में बहुत सारे फियर होता है कंफ्यूजन होता है उसको क्लैरिटी नहीं होता है उसके अंदर में विजन क्लियर नहीं होता है जिसके और बहुत सारे लोग अगल-बगल के माहौल ऐसा होता है जो उनको नेगेटिव कर तो ज्वाइन है, है, के के है। करते हैं तो वहां से तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है और उनको हम इन्फ, राइट दें उनको हम प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करें प्रोडक्ट का नॉलेज दें हम प्रॉपर वे में उनको हम प्लान की क्लैरिटी समझाएं हम प्लान से पैसा कैसे आता है है ना कैसे बड़ा किया जा सकता है इन सारे चीज को इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा उनको हम मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को हम अटेंड जैसा कि सर ने बताया उनको आप यूट्यूब के जैसे मैम का जितने वीडियोज हैं सर के वीडियो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम सारे लीडर्स का टॉप लीडर्स के वीडियोज यूट्यूब पे है आपको उनके अनुसार उनको दीजिए ताकि उनका विजन क्लियर हो क्लैरिटी हो उनकी जो कंफ्यूजन हो फियर हो वो उनका क्लियर हो क्योंकि जब चीजें ये चीजें क्लियर हो जाएगा तब वो एक अच्छी सच्ची और शुरुआत करेंगे और तब दोस्तों शुरुआत होती है तब वो कोर बनेंगे और जब वो कोर बनेंगे तब स्टेप स्टेप आती है कि मोमेंटम बिल्ड और स्पीड हाई होने का और मोमेंटम बिल्ड और स्पीड कब हाई होता है जब जब स्ट्रक्चर सही होता है जब व्यर्थ और डेफ दोनों क्योंकि उनको नए लोगों को शुरू में जानकारी नहीं होती है कि व्यर्थ क्या होता है डेफ क्या होता है उनको आपको बताना पड़ेगा कि वृथ से प्रॉफिट

वो प्लेटिनम स्ट्रक्चर पे जाएंगे प्रेसिडेंशियल पे जाएंगे और जब उनको बीस पच्चीस तीस चालीस हजार महीना आने लगेगा तब थर्ड फेज आएगा जहां पे लीडरशिप जहां पे सुरेखा में एक से एक प्रोग्राम करती है कि किस तरीके से वो लीडर बनेगा ये तीन फेज होता है दोस्तों बिजनेस के अंदर में सबसे पहले हम स्पॉन्सरिंग करते हैं फिर उसको स्पॉन्सरिंग करने के बाद हम उसको कोर बनाते हैं और कोर बनाने के बाद फिर हम उसको लीडर बनाते हैं इस तीन स्टेप में हमको उसको ड्राइव करने की जरूरत है दोस्तों जैसा कि रवि सर ने भी कहा अनुप सर भी कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है ये वक्त बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि एकदम सही वक्त है राइट वक्त है यदि आप पीछे का देखिए पिछले पचहत्तर साल से यदि देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर में लोग जंजीरों में जकड़े तो आजादी तो मिल गई आजादी तो मिल गई गोरों से तो आजादी मिल गई लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली लोग जकड़े हुए हैं अन आर्थिक रूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के दिन है दोस्तों कि इस के कारण सही, सही तरीके से लेते हैं एक हाउस वाइफ एक महिला जो घूंघट में थी एक पढ़ी लिखी महिला घूंघट में थी और आज यदि बात करेंगे एक करोड़ रुपया महीने में कमाती थी बिजनेस की कमाल है सुरेखा मैम जो आज हिंदुस्तान के टॉप टेन टॉप हंड्रेड रिचेन में आती है। कौन सो सकता था कि कुछ साल पहले एक दूध बेचने वाली महिला कर्नाटका बेंगलोर से लक्ष्मी मैम और एक दूध बेचने वाली महिला चौथी पढ़ी लिखी महिला फोर्थ क्लास जिनको ना अंग्रेजी आती हो ना हिंदी आती हो और वो दूध बेचने वाली महिला आज मसटी चला रही है कौन सोच सकता था कि एक एक फरीदाबाद के एक साधारण फैमिली के एक लड़की जो कि एक स्टूडेंट थी कॉलेज स्टूडेंट थी और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए इस अपॉर्चुनिटी के पावर देख के आज वो जगवार गर्ल के नाम से जाने जाने लगी कौन सोच सकता था कि एक फास्ट फूड पे ठेले पे चौमिन बेचने वाले फास्ट फूड पे पिज्जा बर्गर बेचने वाले लोग आचार्य सर आज महीने के छब्बीस लाख रुपया कमा रहे हैं और आज मसडीज बेंच पे चलते हैं कौन सोच सकता है हमारे बिहार जैसे जगहों में एक एक लड़का के राज जो करनी चलाता था ईटा जोड़ने का काम क्या करता था और ईटा जोड़ने वाला लड़का यदि आज बात करेंगे करनी चलाने वाला करनी से कार तक का सफर तय कर लिया तो ये ये जो देख रहे हैं यदि मैं आपको एग्जांपल्स दू दोस्तों तो हिंदुस्तान के अंदर में हजारों एग्जांपल्स हैं सुरेखा मैम कहते हैं जीवीडी फैक्ट्री मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मोदी केयर क्या बनाती है मैं बोलता हूँ कि मोदी केयर एक फैक्ट्री है जो डेली बेसिस पे लखपति बनाती है और वीकली बेसिस पे करोड़पति बनाती है बिल्कुल वीकली बेसिस पे यदि बात करूं तो जीवीडी आरबीडी जीवीडी को बनाती है करोड़पति बनाती है तो कुछ साल पहले पहले जो हमारे आ, विजनरी एमडी सी आ, समीर मोदी सर ने जो एक चिंगारी लगाई थी आज हिंदुस्तान के अंदर में वो ज्वाला बन करके धधकने लगा है दोस्तों बिल्कुल धधकने लगा मेरा तो मानना है दोस्तों कि ये देश गरीब नहीं है इस देश की जो सोच है वो सोच गरीब है तो दोस्तों लोगों की यदि आप बड़ा करना चाहते हैं सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा नजरिया को बदलना पड़ेगा और इस कोरोना पीरियड में तो लोगों की नजरिया बदल गई है दो लोग काम कर रहे थे किसी ने आकर के पूछा कि क्या कर रहे हो उसे एक ने कहा कि दिखता नहीं है कि मैं ईट जोड़ रहा हूँ दूसरे दूसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो बोला मैं भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर बना रहा हूँ तो दोस्तों यदि आप ये ये सोच का फर्क है कि, कि किस भावना से कर रहे हैं उसी तरीके से मोदी कर तो आपने ज्वाइन कर लिया मोदी कैर को किस भावना से कर रहे हैं आप? आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि तेल साबुन बेचने का बिजनेस है आप ये तेल साबुन बेचने का बिजनेस नहीं है यदि दोस्तों ये तेल साबुन बेचने का बिजनेस रहता तो हमारे गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग वर्षों से आ, तेल साबुन बेच रहे हैं किराना दुकान खोल करके बेच रहे हैं क्या उनके पास में मस्जिदीज आई बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू आई जगवार आई कितने लोगों ने देश विदेश की यात्रा किया कितने लोगों की आर्थिक आजादी मिली कितने लोग सपनों को जी रहे हैं वही कुरु की बैल की तरह से सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई लेकिन दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो बिजनेस दिस इज नॉट सेलिंग बिजनेस दिस इज द

क्योंकि हिंदुस्तान यदि आप अपने आप को बदलेंगे यदि आप सफल होंगे तो सिर्फ आप सफल नहीं होते आपका परिवार सफल नहीं होता हिंदुस्तान सफल होता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है जॉन एफ कैनेडी ने कहा था दोस्तों कि देश आपके लिए क्या करेगा यह मत सोचे ये सोचो कि देश के लिए आप क्या करने जा रहे हो तो ये जो बिजनेस है ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है मोदी केयर का बिजनेस है ये देश को निर्माण करने में मदद कर रहा है और ये ये जो वक्त है अभी कितना दिस इज द राइट टाइम ये वक्त बहुत बढ़िया मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में इतना खूबसूरत सुनहरा मौका हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना वक, जितना अभी वक्त है यदि मैं आपको कहूं तो आज के रेट में रिच एंड फेमस बनना दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया अमीर बनना ऐसे का खेल हो गया अमीर बनना आ, आसान हो गया सिर्फ आपको क्या करना होगा अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपनी सोच को बदल करके आपको जिस तरीके से हमारे लीडर्स बताते हैं सुरेखा मैम जिस तरीके से गाइड कर रही है उस तरह हमें उनको फॉलो करना है हमें उसके ऊपर में चलना है यदि हम इनकी बातों को फॉलो करेंगे यदि चलेंगे तो आपको मैं बताऊं अगले दो से तीन साल के अंदर में आपकी जिंदगी जो है ऐसे से ऐसे हो जाएगी आपका जिंदगी दोस्तों टेलर बैक हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में अनलिमिटेड इनकम इंफिनाइट पॉसिबिलिटीज है अभी तो ये शुरुआत हुआ है ये तो शुरुआत हुआ है फ्यूचर ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कहते ना दोस्तों पावर वर्क में नहीं होता है पावर नेटवर्क में होता है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति में सबसे बड़ा पावर है तो जनशक्ति आज देखिए मेरे जैसा लड़का आज वहां से आज, आज जर्रे से आफ्ताब बन गया या फर्श से उठ करके आज अर्श पे आ गया इस अपॉर्चुनिटी के कारण से मोदी केयर के कारण से तो जरूरत है दोस्तों लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह आपको काम करने की जरूरत है तो बदलते जमाने के बदलते समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना है क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो सीखेगा वो टिकेगा और जो टिकेगा वो जीतेगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखने पर ध्यान लगाते हैं अभी सीखने के लिए आपके पास में इतना बढ़िया मौका है सुरेखा मैम को सुनने के लिए मुझे सुरेखा मैम को सुनने के लिए लगभग सारे चार हजार रुपए का एंट्री फी लगता था हम आते जाते थे कम से कम सुरेखा मैम को सुनने के लिए बीस हजार रुपया खर्च करते थे तब हम सुरेखा मैम को सुनने के लिए हम दिल्ली जाते थे ऑल ओवर इंडिया से आता था फिर भी जगह नहीं मिलती थी नंबर नहीं मिलती थी और आज हम आप कितने खुशकिस्मत हैं कि सुरेखा मैम को हम डेली सुनते हैं डेली सुनते हैं हर दो दिन में सुनते हैं तो इतना ज्यादा उनका जो एक्सपीरियंस मिल रहा हमारे आपके सामने दोस्तों रख रही है सारे लीडरशिप रख रही है तो हमें क्या करना है सारे लोगों का ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा लेना है और फायदा लेकर के हमें एक्शन करना है और अपने आप को ऑनलाइन क्योंकि अभी फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है हमें ऑनलाइन पे ही कोरोना भी लॉकडाउन के बाद भी कोरोना चुकी है ऐसी आदत लग गई है कि इसी आदत को आपको लगाना है तो आप कितना ज्यादा अटेंड करते हैं ये एक पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपके टीम के कितने ज्यादा ज्यादा लोग ऑनलाइन कर uh, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हैं एक्टिविटीज और आप करेंगे तो टीम आपका डुप्लिकेट आपको करना पड़ेगा सुरेखा मैम आज सबको इसलिए सुरेखा मैम किसी को बोलने नहीं कि ये करो वो करो क्योंकि सुरेखा मैम ने खुद से शुरुआत किया जब शुरुआत किया तो आज पूरे हिंदुस्तान कॉपी करने लगा उनको फॉलो करने लगा तो आपको भी क्या करना पड़ेगा आपको शुरुआत करना पड़ेगा एक अच्छी और एक सच्ची शुरुआत करना पड़ेगा और तभी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्योंकि बड़ा पैसा कब आएगा बड़ा पैसा आता है बड़ा टर्न से और बड़ा टर्न कब आता है जब आपके पास में बड़ा नेटवर्क होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बड़ा और स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड करना है ताकि बड़ा टर्न हो और बड़ा टर्न हो तो बड़ा पैसा हो तो लास्ट में जाते जाते एक ही चीज यह कहूंगा कि मौका भी है मौसम भी है दस्तूर भी है मौका भी है मौसम भी है दस्तूर भी है और इस वक्त यदि आप कमर कस लेते हैं और इस वक्त अपने आप को झूम देते हैं आप आप अपने अंदर में आग लगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आग लगी हुई है आप अपने अंदर में आग लगा लेते हैं एक जोरदार पैशन के साथ में यदि आप लग जाते हैं और लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह यदि आप काम कर देते हैं तो ये वक्त अपने आप को प्रूफ करने का ये वक्त है लोगों को इंस्पायर करने का तो आने वाले कुश्ते आपके ऊपर में नाच करेगी दोस्तों आपको सैल्यूट करेगी और आ, और आप पूरे दुनिया के अंदर में आप राज करेंगे तो थैंक यू बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर के बातचीत करके और सुरेखा मैम को मैं प्रणाम करना चाहूंगा हमारी गुरु माँ कोटी कोटी आपको प्रणाम की आपने मौका दिया और आज आपकी वजह से हम लोग फल रहे हैं फूल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बनी रहे थैंक यू